सो हाई गाइज एंड वेलकम टू दिस वीडियो सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं रीचर के सीज़न थ्री के बारे में सो so गाइज यह जो जेक रीचर की जो सीज़न थ्री है यह 2025 की शुरुआत में Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने की पूरी पूरी उम्मीद है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है यह सीज़न जो है ली चाइल्ड की जैक सीरीज़ जैक रीचर सीरीज़ की सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली एंथनी मा, माइकल हॉल सोनिया कैसिडी ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ऑलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इससे इस र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज़ ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज़ ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं कोएक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ओयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी ऑल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूस रॉजमन पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जोग, डेविड ऑइलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रन टाइम था 130 मिनट्स का बजट इसका रहा है 60 मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही प्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रीचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नॉवल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो so गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूस काबी स्मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है, 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मलडर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डांस एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मुकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकार में तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और रिचर्ड के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैकोरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज़ ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 फाइव के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्जग एंड रॉबर्ट डेविड ऑयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हरजॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रन टाइम था हंड्रेड एंड थर्टी मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे टू मिलियन डॉलर्स। इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे ट्वेंटी थर्टीन की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज़ ज्विक, ज्विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूस काबी स्मर्लडर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज दनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं है है, एंड इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रीचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर है वो एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डांस एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 162 मिलियन सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीज़न थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इससे इस र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज़ ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं कोएक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ओयलावो रिचर्ड जैन एंड जय जै कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर ये मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैक्वेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जोग, डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रन टाइम था 130 मिनट्स का बजट इसका रहा है 60 मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर 2012 ट्वेल्व को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूज के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रीचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो so गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर्कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज काबी स्मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है, 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड ज्वेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक, एडवर्ड ज्वैक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी टू में सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मुकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली एंथनी मा, माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनस, डैनियल डेविड स्टीवर्ट और रिचर्ड के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है ये सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैकुरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन रैक् कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट डुअल डेविड वो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टीसी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी दिसंबर टू इसका रन टाइम था हंड्रेड मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे टू मिलियन डॉलर्स। इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फ़िल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही प्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे ट्वेंटी थर्टीन की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज़ ज्विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज काबी मर्डर्स एंड इसके जो कोएक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज दनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं है है, एंड इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रीचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर है वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज़ डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 162 मिलियन सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीज़न थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मैंटॉसिनस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है ये सारी इससे इस, र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैकुरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज़ ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज़ ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजामुंद पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ऑयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी ऑल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रॉजमन पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जोग, डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रंट टाइम था 130 मिनट्स का बजट इसका रहा है 60 मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर 2012 ट्वेल्व को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूज के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रीचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो so गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड ज्विक एंड इसे इज रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर्कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज कॉबी स्मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज दनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है, 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड वैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डांस एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवेंथ बुक जो कि परसू पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली एंथनी मा, माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और रिचर्ड के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फिल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैकोरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्जग एंड रॉबर्ट डेविड ओयलावो, रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रीचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर वॉर्नर डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रन टाइम था हंड्रेड एंड थर्टी मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स। इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रिचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज़ ज्विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज काबी स्मर्लडर्स एंड इसके जो कोएक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज दनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं है है, एंड इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रीचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जिक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज़ डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 162 मिलियन सेवेंथ सेवंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन है उनमें से एक मुखबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिचसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ऑलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है ये सारी इससे इस र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज़ ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ओयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर ये मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी ऑल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रॉजमन पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जोग, डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब डेसचैनल डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रंट टाइम था 130 मिनट्स का बजट इसका रहा है 60 मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूज के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रीचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नॉवल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर्ग कोविड ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज, कॉबी स्मर्लडर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल हॉज दनिका यशोरा या शोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर है वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक, एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी टू सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन है उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस, डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रिचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इस, इस से र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले, तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फिल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं कोएक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ओए रिचर्ड रिच एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आम तौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रीचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी ऑल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमेटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी दिसंबर डिसम्बर टू इसका रन टाइम था हंड्रेड मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद ट्वेंटी दिसंबर टू को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहाँ इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गज जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर्ग ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज बी मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है है। इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक, एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मलडर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काय डैंड एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवेंथ बुक जो कि परसू पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मुकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिचसन मारिया स्टैन एंथली एंथनी मा, माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और रिचर्ड के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है ये सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैकुरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन रैक् कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट डुअल डेविड ऑयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टीसी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी दिसंबर टू थाउजेंड इसका रन टाइम था हंड्रेड मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे टू मिलियन डॉलर्स। इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फ़िल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही प्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे ट्वेंटी थर्टीन की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज कॉबी मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं है है, एंड इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रीचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर है वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज़ डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 162 मिलियन सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीज़न थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मैंटॉसिनस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है ये सारी इससे इस र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज़ ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं कोएक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ओएलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रीचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी ऑल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रॉजमन पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जोग, डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रंट टाइम था 130 मिनट्स का बजट इसका रहा है 60 मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिंफनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर 2012 ट्वेल्व को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूज के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रीचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नॉवल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो so गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जैक एंड इस इज विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज, काबी स्मर्डर्स एंड इसके जो कोएक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोरा या शोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड वैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डैंड एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी टू में सेवेंथ बुक जो कि परसू पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन है उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकार में तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिट्सन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ऑलिवर रिचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिलें तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फिल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं कोएक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजामुंद पाइक वर्नर हॉर्जग एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ऑयलावो रिचर्ड जैनकिंस एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैरसंपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रीचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूस रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रन टाइम था हंड्रेड एंड थर्टी मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे टू हंड्रेड एंड एटीन मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर ट्वेंटी इलेवन में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी ट्वेंटी ट्वेल्व में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद ट्वेंटी दिसंबर टू को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहाँ इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर्ग ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज कॉबी स्मर्डर्स एंड इसके जो कोएक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है, 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं है, है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड एडवर्ड ज्वेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मलडर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सेवेंथ बुक जो कि परसू पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मुकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकार में तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और रिचर्ड के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज़ ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 फाइव के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्जग एंड रॉबर्ट डेविड ओयलावो, रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब डेसचैनल डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर टू इसका रन टाइम था हंड्रेड मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स। इस फ़िल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूज के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे ट्वेंटी थर्टीन की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज़ ज्विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज कॉबी मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर, यशोर, याशोर हुट मैके हैं एंड इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रीचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर है वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डांस एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 162 मिलियन सेवेंथ बुक जो कि परसुएडर पर बेस्ड है एंड सीज़न थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकारमय तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिटसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनोस डैनियल डेविड स्टीवर्ट और ओलिवर ओलिवर रीचर के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है यह सारी इससे इस, र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज़ ने मेन कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं कोएक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजामुंद पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट ड्यूएल डेविड ऑयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैक्वेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जोग, डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टी सी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका रन टाइम था 130 मिनट्स का बजट इसका रहा है 60 मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे 218 मिलियन डॉलर्स इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कम्प्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फिल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर 2012 ट्वेल्व को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही क्रूज के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रीचर नेवर गो बैक एंड इसे 2013 की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज़ किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो so गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड ज्विक एंड इस रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर्कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूस काबी स्मर्लडर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं एंड है, 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 इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रिचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर हैं वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक, एडवर्ड ज्वैक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मल देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी में सेवेंथ बुक जो कि परसू पर बेस्ड है एंड सीजन थ्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका प्लॉट जो है वो रीच कुछ इस प्रकार हो सकता है कि रीचर अपने अतीत के जो एक दुश्मन हैं उनमें से एक मकबिर को बचाने के लिए गुप्तचर बन जाता है इस सीज़न के अंधकार में तीव्र और एक्शन से भरपूर होने की उम्मीद है यह सीज़न जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड इंटेंस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ मिल सकता है एंड इसकी जो कास्ट मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते हैं एलन रिचसन मारिया स्टैन एंथली मा, एंथनी माइकल हॉल सोनिया कैसिडी, ब्रायन टी जॉनी बर्स्टॉल रॉबर्ट मेंटोसिनस, डैनियल डेविड स्टीवर्ट और रिचर्ड के वापस लौटने की उम्मीद है एंड इसमें जो है हमें न्यू विलन के रूप में ओलिवर रीचर देखने को मिलेंगे जो कि इसमें पॉली के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह जो मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन बताई है ये सारी इस इससे र्यूमर्स पर एंड जो हमारी रिसर्च है उस पर बेस्ड है हो सकता है कि इससे हमें स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें इसमें देखने को मिले तो यह कोई कंफर्म तो नहीं है एंड अगर हम बात करें जैक रीचर की तो यह जो फ़िल्म है यह 2012 में आई थी एंड यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर मैकुरी ने लिखा था एंड उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था इसमें टॉम क्रूज ने मेन रैक् कैरेक्टर को प्ले किया था जो कि है ली चाइल्ड एंड मेन कैरेक्टर को प्ले किया था एंड यह ली चाइल्ड के 2005 के एक नावल वन शॉट पर बेस्ड मूवी थी क्रूज ने जिसका मेन कैरेक्टर है उसे पोर्ट्रे किया है एंड इसके जो हैं को एक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं रोजाम पाइक वर्नर हॉर्ज एंड रॉबर्ट डुअल डेविड ऑयलावो रिचर्ड जैन एंड जय कार्टनी एंड इसके साथ फिल्म एक आमतौर पर गैर संपर्क करने योग्य पूर्व सेना के मेजर एम पी अन्वेषक जैक रिचर पर यह मूवी केंद्रित है एंड इसमें एक जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन सैन्य स्नाइपर के जुड़ी एक हत्या की जांच में सहायता करने के लिए बुलाया जाता है जिसे सामूहिक गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है एंड इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में क्रिस्टोफर मैकवेरी एंड राइटर के रूप में भी आल्सो क्रिस्टोफर मैकवेरी देखने को मिलते हैं एंड मेन स्टार कास्ट में आते हैं टॉम क्रूज रोजमंड पाइक रिचर्ड जैन वर्नर हर्जॉग डेविड ऑयलो एंड रॉबर्ट डोवेल इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं कैलेब एब डैस चैनल एंड इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो स्काई डांस प्रोडक्शन एंड टीसी प्रोडक्शन है एंड पैरामाउंट पिक्चर्स के द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिलीज डेट है इसकी ट्वेंटी दिसंबर टू इसका रन टाइम था हंड्रेड मिनट्स का बजट इसका रहा है सिक्सटी मिलियन डॉलर्स एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाए थे टू मिलियन डॉलर्स। इस फिल्म का जो है बनाया गया था अक्टूबर 2011 में इसकी शूटिंग शुरू हुई एंड जनवरी 2012 में इसकी शूटिंग का कंप्लीट किया गया एंड इसे जो है पूरी तरह से पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में फिल्माया गया एंड इसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो क्रेमर के द्वारा दिया गया था एंड हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के द्वारा इसे प्रजेंट किया गया सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग के बाद पिट्सबर्ग में फ़िल्म की प्रीमियर स्क्रीनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया एंड फिल्म एक सप्ताह के बाद 24 दिसंबर 2012 को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई जहां इसे आम तौर पर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड यह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही प्रूस के साथ एक सीक्वल को और बनाया गया जिसका टाइटल है जैक रिचर नेवर गो बैक एंड इसे ट्वेंटी थर्टीन की जो नावल है नेवर गो बैक पर यह बेस्ड है एंड इसे ट्वेंटी अक्टूबर 2016 को रिलीज किया गया तो बात बात कर लेते हैं इसी मूवी के बारे में सो so गई जैक नेवर गो जैक रीचर नेवर गो बैक एक 2016 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड जिक एंड इस इज विक रिचर्ड बैंक एंड मार्शल हर कोविड्स ने लिखा है एंड यह ली चाइल्ड के 2013 के एक नावल नेवर गो बैक पर बेस्ड है 2012 की फिल्म जैक रिचर का सीक्वल है एंड फिल्म में टॉम क्रूज कॉबी मर्डर्स एंड इसके जो को एक्टर्स हैं पैट्रिक हुसिंगर एल्डिस हॉज डनिका यशोर याशोर एंड हॉल्ट मैकेनिकल हैं है है, एंड इसके जो प्लॉट है उसमें क्या होता है रीचर में के एक आर्मी मेजर के साथ भागने का स्टोरी को हमें दिखाया जाता है जिससे जो डिटेक्टिव है उसके लिए उसे फंसाया गया था लेकिन दोनों एक अंधेरे षडयंत्र का खुलासा करते हैं जैक रीचर नेवर गो बैक की अगर हम बात करें मेन डिटेल्स के बारे में तो इसमें जो डायरेक्टर है वो है एडवर्ड जेक एंड इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो रिचर्ड बैंक एडवर्ड जेक एंड मर्शल हर कोविड्स ने लिखी है एंड इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स में मेन स्टार कास्ट में टॉम क्रूज एंड कैबी स्मर्डर्स देखने को मिलते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी है स्काई एंड यूनिवर्सल पिक्चर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीज़ डेट थी ट्वेंटी अक्टूबर टू एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था हंड्रेड एंड सिक्सटी टू जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो दोनों मूवीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन किया है तो इसकी थर्ड मूवी 2025 में आ ही रही है तो अगर इससे रिलेटेड कोई और ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑन कर लें